नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूँ आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर जो कि बांसवाड़ा से इस वक्त सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला और 7 शिक्षक और 1 ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त किया गया। जिला स्थापना समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया आज और बैठक में जिला प्रमुख रेशम मालवीय, इसके अलावा CEO VC गर्ग रहे मौजूद और ग्राम विकास अधिकारी सकल खड़िया, इसके अलावा शिक्षक बादर गरासिया को बर्खास्त किया गया है और शिक्षक महेश चंद, अनूप डोडियार, महेंद्र सिंह, गीता खानू, इसके अलावा आपको बता दें सविता को भी बर्खास्त किया गया है और 12 अन्य शिक्षकों को निलंबित करने के लिए आदेश दिए गए हैं और इन सभी ने आपको बता दें कि डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी हासिल की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, 12 अन्य शिक्षकों को भी निलंबित करने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। इन सभी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर ये नौकरी हासिल की थी और ऐसे में अब इन पर गाज गिरती हुई। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में गाज गिरी है और हमारे सहयोगी अजय ओझा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अजय, डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी पाने वाले लोगों पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 7 ऐसे शिक्षक हैं और इसके अलावा और अधिकारी भी हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पूरी कार्रवाई क्या कुछ रही, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले बांसवाड़ा पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने वाले गिरोह का खुलासा किया था, जिसमें बांसवाड़ा जिले के कुल 20 शिक्षक जो थे जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने 8 शिक्षक को गिरफ्तार किया था। वहीं इस पूरे गिरोह का एक मास्टरमाइंड था, एक ग्राम विकास अधिकारी, उसको भी पुलिस से गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले के बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पे आया था। उसने एक कमिटी गठित की थी, उसके ऊपर आज जो जिला स्थापना समिति जिला परिषद की उसकी बैठक रखी गई, जिसमें जिला प्रमुख रेशम मालविया, VC गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस कमिटी ने निर्णय लिया है कि जो 7 शिक्षक जो थे, जो डमी कैंडिडेट बिठाकर जिन्होंने नौकरी हासिल की थी, जिनको पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं एक ग्राम विकास अधिकारी था सकन खड़िया, वो भी इस गिरोह में शामिल था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। इस पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज था, जिस पर समिति ने उसको भी बर्खास्त कर दिया है। वहीं 12 अन्य शिक्षक जो हैं जिनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज है, उनको भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो इनको भी निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।